मेरे प्यारे मित्रों, आपने देखना तो शुरू कर दिया, पहले लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर ही सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे। कभी कभी छंद को शेयर कर दिया करिए, ताकि आपके मित्रों के पास भी ये सूचना पहुंच जाए और लोग भी इसका लाभ लें। मात्रिक छंद समापन की ओर हैं और आज हम जिस छंद की बात कर रहे हैं उसका नाम छप्पय छंद है। छप्पय, अच्छा। अब देखें, आप एक समास पढ़ा था ना, द्विगु, पहला पद संख्यावाची हो, इसका पहला अक्षर छप्पय अच्छा। हालांकि छह लाइनें आपने कुंडली छंद में भी देखी थी, लेकिन कुंडली पढ़ते पता लग जाता है, कुंडली की अपनी विशेषता है। जहां दोहा का दोहे का चौथा चरण आया, वहां चरण लौटता है तुरंत वहां पर। तो आइए छप्पय छंद की बात करते हैं। ये छंद भी युद्ध से प्रेरित होकर लिखा गया था। कभी वीरता की भाव, देश प्रेम के भाव इसमें ज्यादातर प्रकट होते रहे। ये छंद भी, हम इसे मिश्रित छंद भी कह सकते हैं, कुंडली की भांति। जैसे कुंडली में हमने दो छंद मिला दिए थे, वहां मिश्रित हो गया था, यहां पर भी दो छंद मिला दिए गए और एक तीसरे छंद का जन्म हो गया। और वो दो छंद कौन कौन से थे, एक बताएं आपको, रोला और उल्लाला, ये दो छंद हुए। इन दोनों छंद का मेल ही बन गया छप्पय। साथियों, रोला और उल्लाला। अब रोला छंद आप पढ़ चुके, 13-11 मात्राएं, 24 मात्राएं होती थी, सब मात्रिक छंद था रोला 11। और उल्लाला, उल्लाला पढ़ाया था मैंने आपको भी, इसके पहले आपने देखा होगा वीडियो में, उल्लाला छंद में भी 28 मात्राएं थी। 28 में बनता है, 26 में बनता है। तो कहने का आशय ये, शुरू की चार लाइनें प्रारंभ की, 1 2 3 4, ये तो हो गई रोला। अर्थात प्रथम चार पंक्तियों में 24-24 मात्राएं होंगी पहले चार लाइनों में। आइए दूसरी लाइन देखते हैं, दूसरा उल्लाला छंद। अभी आपने पढ़ा था 15-13-28 होते हैं। तो पहले शुरू की चार लाइनें रोला छंद होती हैं और बाद की दो लाइनें उल्लाला छंद होती हैं। ये आप पढ़ चुके हैं उल्लाला छंद भी और रोला छंद भी, इसलिए इस वीडियो में, इस समय में मैं आपको अधिक भ्रमित नहीं करना चाहूंगा। बहुत शीघ्रता के साथ आप पूरा देख ले। और आपके सामने एक उदाहरण भी मैंने जानबूझकर ऐसा रखा है कि जिसमें प्रारंभिक रोला हो और बाद वाला उल्लाला हो। देखिए, आइए, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युत मुकुट मेखला रत्नाकर है, वसुंधरा धरती माता की गुण का गुणगान है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल ही मंडन है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है। साथियों, जब मैंने आपको इससे पहले उल्लाला छंद पढ़ाया था उसमें उदाहरण दिया था, इसलिए मैंने उसी उदाहरण को जानबूझकर मैं लाया हूं। करते अभिषेक पयोद है, अरे बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर मैं एक बार मात्रा लगा देता हूं आपके सामने। जिसकी रज में लोट लोट कर, मैंने कहा ना इस छंद में देश प्रेम वीरता भरा होना चाहिए। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, यही धरती, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, अरे घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। देखा आपने कितना बढ़िया रोला था, ये रोला के चार चरण। आइए अब उल्लाला देख लेते हैं। हम खेले कूदे हर्ष युग युत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मगन क्यों न हो मोद में। बढ़िया उदाहरण, आइए एक बार मात्रा लगाकर देख लेते हैं। जिसकी, देखिए 24 चाहिए हमको शुरू की लाइन में, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। आइए किन लेते हैं, 1 2 और 2 4, 1 5, 1 6 2 8 2 10, 1 11 2 13, 1 14 15 16 17 18, बड़े 19 20 और 4 24। सही है,
पूरी तरीके से आपके सामने उभर करके आ रहा है। इसको देख लेते हैं। हम खे ले कू दे हर्ष युत जिसकी प्यारी गोद में, गिन लीजिएगा मात्राएं पूरी। एक इधर देख लेते हैं, नीलांबर नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। दो तीन चार पाँच छ दो आठ दो दस ग्यारह दो तेरह तीन सोलह दो अट्ठारह और छः चौबीस, इसमें अपने आराम से 24 पंक्तियां आ रही हैं। अंत वाले में अगर आप देखना चाहें, करते करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, बलिहारी इस वेश की। दो चार छः आठ दस बारह चौदह दो सोलह एक सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस तीन तेईस दो पच्चीस, इस तरीके से एक दो और दो चार एक पाँच छः अट्ठाईस यहाँ मिलती हैं आपको और चौबीस यहाँ मिलती हैं, और इस तरीके से ये बनता है आपका छप्पन छंद। अभ्यास कीजिए, देखिए, और इसके बाद हम अधिक छंदों की ओर आपका ध्यान नहीं ले जाएंगे और हम वर्ण छंद की ओर आ जाएंगे। एक बार फिर छप्पे छंद, रोला और उल्लाला को मिला दीजिए, बन जाता है छप्पे। पहले चार पंक्तियां होती हैं रोला छंद की और बाद की चार पंक्तियां होती हैं उल्लाला छंद की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा यहीं पर विराम।